हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोग के लिए तीन हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ साड़ी के लिए, जो कि सेल्फ है और बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। एंड इस तरीके से मैंने बीच की पार्टीशन ली है, बीच की मांग निकाली हुई है। अगर आपको साइड का रखना है तो आप साइड का भी रख सकते हो। और हेयर स्टाइल स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ईयर के पास के थोड़े से हेयर उठाने हैं एंड उल्टे डायरेक्शन में इसको गूंथते जाना है। फ्रेंच चोटी की तरह हेयर बैंड चोटी बनानी है आपको पूरे बालों में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सेकंड चैनल पे मेरी ब्लॉग वीडियो डे बाय डे जाते रहती है, तो प्लीज़ ब्लॉग वीडियो अगर देखना है तो सेकंड चैनल पे जाइए, प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इजली आप वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करके सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो। एंड इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर मेरी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ इंस्टा पर भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एफ बी इंस्टा जहाँ पर भी आप लोग हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से हेयर स्टाइल को बनाना है, थोड़े थोड़े हेयर को उसमें ऐड करते जाना है चोटी के साथ एंड पूरी ब्रेड को एक ईयर से लेकर दूसरे ईयर तक कंप्लीट करना है। और मेरी आईज काफ़ी हद तक अभी ठीक हो चुकी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एंड फुल अपडेट देखने के लिए सेकंड चैनल पे जरूर जाइएगा। तो इस तरीके से आपको एक ईयर से दूसरे ईयर तक बालों को, सॉरी चोटी को गूंथते जाना है। और जिनको भी हेयर कलर पसंद नहीं आया थोड़ी देर बता दूँ, हेयर कलर जब स्टार्टिंग में आप करते हो और पूरा जड़ से लेके लेंथ तक हैंड पार्ट तक करते हो तो आपको हेयर स्टाइल स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन तक अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब आपकी हेयर ग्रोथ होती है, हेयर स्कैल्प से 1 इंच तक भी बढ़ जाते हैं, 1 इंच हाफ इंच तक भी बढ़ जाते हैं, तो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो थोड़ा दिन वेट कीजिए और फिर देखिए मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है आप लोग को। तो बालों में है ऑयलिंग तेल लगाई हुई है, तो बट मुझे हेयर वॉश नहीं करना था। आज है थर्सडे और थर्सडे का मैं रखती हूँ व्रत, तो इस वजह से मैंने हेयर ऑयलिंग की हुई है। तो बालों में तेल लगा हुआ था और हेयर वॉश नहीं कर पाई, और उसी हेयर के साथ मैं आपको हेयर स्टाइल बता रही हूँ। और हेयर काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रहे हैं मेरे, तो मैं ऑयलिंग करके थोड़ी दिन रखूँगी और बालों का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो भी लूँगी। और आप अगर रेगुलर हो मेरे चैनल पर तो आपको मेरे हेयर किस तरीके से ठीक होते हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब देना है और अच्छे से बालों की ग्रोथ भी करनी है और जो भी बालों में प्रॉब्लम थी सब कुछ क्लियर करके, स्किन में जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ ठीक करके आपको वीडियो साथ के साथ डालते जाऊँगी। और आप लोग चैनल को रेगुलर बने रहिए मेरे चैनल पर और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट हेयर स्टाइल, चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकंड हेयर स्टाइल के लिए मैं इस तरीके से बालों को कॉम कर रही हूँ एंड साइड पार्टीशन करेंगे सेकंड हेयर स्टाइल में इस तरीके से, और फ्रंट के थोड़े से हेयर छोड़ देंगे एंड दूसरी साइड से आपको यहाँ से जहाँ से आपने मांग निकाली हुई है वहीं से चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंच ब्रेड, उल्टी फ्रेंच ब्रेड बनाएंगे यहाँ पे। उल्टी फ्रेंच ब्रेड का ब्रेड कैसे बनाते हैं, बीच का जो पार्टीशन, जैसे सिंपल चोटी में हम लोग 3 पार्टीशन करते हैं बालों की, तो हम लोग ऊपर से साइड के दोनों पार्टीशन को लेते हैं सिंपल चोटी में। लेकिन अगर उल्टी चोटी बनानी है तो आपको बीच वाले पार्टीशन को ऊपर की तरफ रखना है और साइड के दोनों पार्टीशन को नीचे की तरफ से लेके जाना है, जैसे कि मैं इसमें वीडियो में कर रही हूँ, तो आपको देख के इजीली समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा माइक ऑफ हो गया था और मैंने पूरी वीडियो एंड तक बक 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 कर ली थी, और फिर मुझे देखा कि माइक ऑफ हो गया है तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, बट क्या करूँ, बोलना तो पड़ेगा। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे आवाज़ ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हेयर स्टाइल को कंप्लीट करते जाएंगे, थोड़े थोड़े हेयर्स को दोनों साइड से, लेकिन नीचे की तरफ से मिक्स करेंगे तो हमारा उल्टा चोटी बनता है एंड ऊपर की तरफ से मिक्स करेंगे तो सीधा चोटी बनता है, मतलब सीधा फ्रेंच बनता है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर को मिक्स करते जाएंगे, फ्रंट के हेयर को छोड़ते जाएंगे एंड बनाते जाएंगे। इस रील्स पे मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो अभी शेयर किया है, तो अगर आप जाके इंस्टाग्राम पे जाके आप वहाँ पे मेरी रील्स वीडियो देख सकते हो। इंस्टा आई डी प्रीत 24 है, अगर आपको जाके नहीं देखना है, सर्च नहीं करना है, इतना मेहनत करने का मन नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इजीली जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और विजिट कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी रील्स वीडियो देखिए। एंड सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप सेकंड चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। तो इस हेयर स्टाइल को कंप्लीट करेंगे। ये हेयर स्टाइल लंबे बालों के लिए है वैसे तो, लेकिन छोटे पतले हल्के बालों वालों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाल भी छोटे पतले हल्के हैं और मैं ये हेयर स्टाइल बना रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो डियर। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर तरीके के हेयर टाइप के लिए मैं लेके आती हूँ हेयर स्टाइल एंड हेयर केयर टिप्स एंड ब्यूटी टिप्स। और आप सोचो कि हेयर केयर टिप्स लाती है तो खुद के बाल क्यों नहीं अच्छे हैं, तो डियर मैं बाल कट करते रहती हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरे बाल शुरू से ही पतले हैं,
तो हाँ, मेरा बीच टाइम में एक टाइम था कि मेरे स्कैल्प के हेयर स्कैल्प दिखते थे हेयर के बीचों में से, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सॉल्व करते रहती हूँ एंड जो भी रहता है सब कुछ फुल ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरीके से बालों को खींच के थोड़ा सा लूज करना है, मैसी लुक देना है एंड बन को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है और इस तरीके से यूपिंग से सिक्योर कर देना है, जिससे कि आपका जो बन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेगा। बालों को इस तरीके से खींच के चोटी को थोड़ा सा इस तरीके से बना लेना है और फ्रंट के हेयर को यहाँ पे कर्ल कर देना है अगर आपको पार्टी के लिए हेयर स्टाइल बनाना है तो। एंड स्कैल्प जो दिख रही है वहाँ पे कॉम करके अच्छे से स्कैल्प को हाइड कर लीजिएगा। वाओ, और इस हेयर स्टाइल के लिए अगर आप डोनट बन वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा यूपिन यूज कीजिएगा। नाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बिहार तुम्हारे जैसा है सारे, बस याद तुम्हें करते हैं और कोई काम नहीं। दोनों साइड से पप को बना लेंगे और इस तरीके से दोनों फ्रंट के हेयर को पकड़ेंगे और एक पोनी बनाएंगे। क्लिप्स लगाई है और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे क्लिप के पास तक और एक रबड़ बैंड लगा देंगे। रबड़ बैंड लगाने के बाद से आपको बार बार गाइज माइक ऑफ हो जा रहा है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, हेयर स्टाइल को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। बहुत सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी है तो और वीडियोस देखा कीजिए जिसे मैं आपके साथ वीडियो बनाती हूँ। तो अब हो चुका था मेरा माइक पूरी तरह से डिस्चार्ज, तो मैंने माइक को रख दिया साइड में एंड बैकग्राउंड साउंड को कीजिएगा इग्नोर और जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। दोनों साइड से हेयर को लेना है, मीडियम एंड घने बालों के लिए है ये हेयर स्टाइल और काफ़ी खूबसूरत है। जिसको भी पोनीटेल बनाना पसंद है ऑफिस एंड कॉलेज गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये पोनीटेल हेयर स्टाइल, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों को ताकि वो इजीली हेयर स्टाइल बना के अपने ऑफिस और पूरे दिन को अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत बना सकें। और अगर आपका पफ नीचे को चला जाता है तो इस तरीके से पोनी के पास रबर बैंड के पास हाथ को लगाना है, आगे की तरफ पूरे पोनी के हेयर को पुल करना है एंड नीचे की तरफ से बॉबी क्लिप को इस तरीके से इंसर्ट करना है अपने पोनी टेल के हेयर में और आपका पफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ एंड काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये पोनी टेल हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आ रहा हो। वीडियो कैसी लगी, कन्फर्म कौन सी हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताएगा। और मेरे मुँह में जो गाना आ जाता है सुबह सुबह वो मैं दिन भर गुनगुनाते रहती हूँ, किसके साथ ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय।